सतगुरु जिया ने जो उपदेश बख्शिश किते सन, गुरु नानक साहिब दा वचन है, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी हुए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई, ता वात ना पुछे के। जे तीबर इच्छा इंसान दी यही है, मनुख दी उम्र लंबेरी हो जाए। सतगुरु साहब कहिंदे तेरी उम्र भावें चार युग हो जाए, चार युगां तो भी दस गुणा होर वध जाए, ते नौ खंड जिन्ना खंडा ते पृथ्वी है, जिन्ना खंडा दे अंदर टुकड़े ने दुनिया वसदी है, जिथे नहीं भी वसदी खाली ताल ने, जिन्ना भी धरती का हिस्सा है, जिन्ना भी कुछ दिसदा है, जिन्ने भी अगे खंड ने, इन्हां खंडां ते पृथ्वी ते तेरा हक होवे, तेरा जोर होवे, तेरा हुक्म चले, मन लो इन्हां सब कुछ दा तू मालक होवे। चार युगां दी उम्र हो जाए, दस गुणा वध जाए, नौ खंडा तू राज कमांदा होवे, ते तेनू जदों तू चले सारे तेरे नाल नाल चलन काफला चले, तेरी जस ते किरती होवे। जस ते किरती दे अर्थ विद्वाना ने अलग अलग किते ने, जस उन्होंने अर्थ किया भी मूँह ते वड्याई करनी, ते किरत दा अर्थ उन्होंने किया किरती दा, जदों बंदा बैठा है उहदा जस करना वड्याई करनी, जदों उतों चलिया गया उहदे पिछों भी उहदी वड्याई होई जानी, इन्ना कुछ। फिर सतगुरु साहब ने कहा जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानीए, नाल चलै सब कोई, चंगा नाव रखाए कह, नाम तू चंगा जा रखा लवें, जस कीरत जग ले, पर ध्यान दई जे तिस नदर ना आवई, जे ओदे नदर अंदर तू नहीं आया, जे ओनू विसर गया है, ते तेनू गुरमुखा समझ लै, तेनू किसी ने इत्थे बात नहीं पुछनी। फिर सतगुरु महाराज कहिंदे कीड़ियां दे अंदर कीड़ा थापिया जांदा है, ते उन्नू दोष लगदे ने, कादा दोष लगदा है जी, पिछली पौड़ी विच कह के आए सो मैं विसर ना जाई, उन्नू विसरन दा दोष लगदा है, फिर कीड़ियां दे अंदर वह कीड़िया थापिया जांदा है, ते दोषियां दे विचों दोषी बना के उन्नू सामने पेश करदा है। ए लग्या कित्थों, कहिंदे विसरन दे नाल तेनू ये दुख लगेगा। जिनू विसर गया है ना, भाई गुरदास जी ने उन्हां दा जिक्र किया कि अकिरत कण नूं विसर गया रब दा नाम, ते ओह फिर ओहदा जीवन किहो जाए, ते ओहनूं किस खिते विच फिट करांगे, भी किहो जा का ओह जिहनूं रब भुल गया। ते उत्थे जिक्र मिलिया एक भाई गुरदास साहिब ने किया, कहिंदे एक कोई औरत है जिसनों दुनिया के लोग नीवा कहिंदे ने, उन्हें शराब ली, उस शराब के अंदर उसने कुत्ते का जड़ा मास सी रिनना किया, यह शब्द ने बाणी दे, मद विच रत्ता पाए कह, कुत्ते का मास, कुत्ते का जड़ा मास सी मद विच रिनिया, मद विच बनाया, दारू विच बनाया, जदों कहिंदे ओ मास तैयार हो गया ते ओदे लई भांडा नहीं वरत्या, कहिंदे ओ मसाणा दे अंदर गई, उत्थे कोई लभी उहने बंदे दी खोपड़ी, उस खोपड़ी दे अंदर शराब दे विच बणिया होया कुत्ते दा मास उहने उस खोपड़ी विच पा लिया, ते हुण ढकण वास्ते उहने साफ कपड़ा नहीं लिया, गंदे खून का लिबड़िया होया कपड़ा उन्हें उस खोपड़ी नूं ढकण वास्ते वरत्या, फिर वह चक के किते जा रही है, ते रस्ते विच कोई मिल गया उन्हूं, ते उन्हें पुछ लिया भी भैणे इहदे च है की,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਖਿੱਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਗਦ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਿਰਤਪਣ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪਰੀ ਤਿਸ ਮੰਦੀ ਵਾਸ, ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ। ਰੱਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ, ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਰੱਬ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਪੂਜ ਲੱਗੈ ਪੀਰ ਆਖੀਐ ਸਭ ਮਿਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੀਰ ਕਵੇ, ਨਾਉ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧ ਸੁਮਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਿਆ ਲੱਗਣ ਜਾ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ, ਜਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਪਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰ, ਸਭ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਣਵੰਤ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ, ਗੁਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਭਰਾ ਕਾਬਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਔਗਣੀ ਆ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੰਢਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ,
अवगुण ही है। सारी रात सौ के अमृत वेले गुरु का जप नहीं पढ़ना, इतना वड्डा अवगुण साढ़े च की हो सकता है। जिन्हां ले इन्नी शहादतां होईयां, साडा मन हजे केसां ते बाणे बाणी नूं अमृत लैके मन नहीं रहा, इदों वड्डा अवगुण किहड़ा हो सकदा है। नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर, जिन्ने भी तू अवगुण पाली बैठा है गलां दे अंदर जंजीरां ने, ते सतगुरु जी कट्टियां किवें जाणगियां? कहिंदे जे गुण होण तां कट्टियां, से भाई से वीर ओही वीर भरा ने जिहड़े गुण अंदर वस जाण ते अवगुणां दे संगल जंजीरां विचों टुट जाण। ते जदों बंदा कहिंदा मैं फलाने थां गया उत्थे इह हो रिहा सी, उत्थे मंदा है, उत्थे मंदा है, लोग मंदा कहिंदे ने, बाबे दी बाणी कहिंदी कहिंदे लोग तां अवगुणां दीआं पंडां बंदे ने, तू बननी है भला दस, लोग अवगुणा की बनै गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोए, लोग तो अवगुणा दियां पंडा मन रहे ने, मंदे थानू तो मंदा कहना ही है, चंगे थावां तो भी मंदियाई लैके आ जाने, उत्थे ए वरत रहा सी, लोग अवगुणा की बनै गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोए। बाबा जी फिर ये गुण कितों आएगा? हर थां तो बंदा माड़ी वाशना लैके जा रहा है। कहिंदे गल दसा, गुणा दा गाहक विरला होएगा, गुण का गाहक नानका विरला कोई है। गुरु गुण देना चाहुंदा है, सिख भांडा मुद्दा मार के बैठा, फिर गुण जाएगा किथे? गुरु तो दे रहा, नानक निर्गुण गुण करे, नानक निर्गुणा नूं गुण देण लई तैयार है। पर जेड़े कहिंदे ने मैं अवगुणा करके पहला भरिया, मेरे अंदर बाबे दा गुण नहीं समा सकदा। गुरु ने कहा गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। जदों बंदा कहिंदा मैं गुण लैना चाहुंदा, तो गुरु उहनूं कहेगा सब तो पहला अपनी अंदरली हौमे मार दे, जो तू कहिंदा मैं सियाणा वह कहना छड्ड दे। कबीर जी ने उदाहरण दित्ती, कहिंदे गन्ने ने कहा भी मेरे अंदर रस है, पर की गल मेरी कीमत क्यों नहीं पै रही? ते फिर किसे समझाया, कहिंदे गल सुन, कीमत तेरी पएगी पर तेनू अपना कठोरपन त्यागना पएगा, ते तेनू वेलणियां दे विचों दी निकलना पएगा, कलाड़ी दे विच दी निकलना पएगा तेनू। ओ कहिंदे कम तां बड़ा औखा, मैं तां खत्म ही हो जाऊंगा। कहिंदे कठोरता नू त्याग के आपा भाव नू मिटा के ही गुण प्रगट हुंदे ने। उन्होंने वचन किया, कबी रस को गांडो चूसी है, गुण को मरी है रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोए। गन्ने नू रस प्रगट करन वास्ते अपने आप नू वेलणियां दे विच्चों कढ़ना पैंदा है, खत्म करना पैंदा है, फिर जाके उहदे विच्चों मिठास मिलदी है। सिखा जे तेरे अंदरों तो मिठास चाहना है, आपा भाव नू इन्नी कठोरता जिन्नी गन्ने दे विच है, इन्नी कठोरता मिलके नानक निर्गुण दे जिहड़ा है तेरे विच्चों गुण नहीं मिलना। जे तू गुण चाहना है ते इह आप नू समझ लै भी गन्ने दी वांगू तू उस वेलड़ियां दे विच्चों निकल जा। किन्ना औखा है अपनी होमे नू त्यागना, किन्ना औखा है अपनी मत नू छड्डना, किन्ना औखा है भी मैं माड़ा ते तुसी चंगे। बहुत औखा है जे आपां कह दिंदे भी मैं बुरा, मन मन्नण लई तैयार नहीं मैं बुरा। कबीर ने कहा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोई। बाणी तां उहनूं कह रही है जिहड़ा कहेगा मैं बुरा हाँ, बाणी कहिंदी मैं तेरे नाल खलोण नूं तैयार हाँ, जे तू कहेगा मैं भला हाँ ते सच्ची गल जाणी तू नीचा तो नीच थापिया जाएगा। एक पासे क्या कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। सुखमनी साहिब च क्या आपस को जो जाने नीचा सो गनी है सब ते ऊंचा। एक बचन विच क्या आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। जेड़ा आप नू कहिंदा मैं तां भला, मेरे वर्गा किहड़ा है? बाबा जी कहिंदे बंदिया गल सुन, भलाई तां तेरे नेड़ दी नहीं लंघणी। अवगुण यारे मानस है भलो न कहे कोए। जे गुण लेने ने अपने अंदर दी कठोरता पन त्याग दे, मिठास गुण प्रगट होणगे। सतगुरु जी कहिंदे तू उहनां नाल यारी क्यों नहीं लाउंदा जिहड़े गुणां दे डब्बे ने, जिहड़े गुणां दीआं खानां ने, उहनां दे नाल उठिया बैठिया करिया कर। गुणा का होवे वासला,
कड़वास ली जाए, सुगंधी का भरिया होया डब्बा उहदे विच सुगंधी मिलनी है। जे गुण होण साजना मिल सांझ करी जाए, उहदे अंदर जे गुण हन तू चाहुंदा तेरे अंदर गुण होण ते उहनां नाल मित्रता ला जिहड़े गुणां दे भरे हुए वाकई डब्बे ने। सांझ करी जाए गुणा केरी, छोड़ अवगुण चली है, अवगुणा नूं छड़ना पएगा, गुण तां होणगे जे बंदा कहे मेरे अंदर गुरु वाले गुण होण, सच्चे सिख वाले गुण होण, ते बंदे दे जिन्ने अपने अवगुण छड़ अवगुण चलीए, अपने अवगुणा नूं छड़ दे, नानक निर्गुण गुण तेरे ते तां करेगा। ते सतगुरु जी कहिंदे जे तेरे ते गुण हो गए ना जिथे जाए बही है भला कही है, जिथे जाके बैठेगा लोग तेनू भला भला कहणगे। क्यों? वह कहते गुणा कहो है वासला कडवास लई। जगु रामदास जी का एक बचन है, उन्होंने कहा दाता मेरा जेड़ा रूप है यह सोहना नहीं है, जेड़ी मेरी जात है वह चंगी नहीं है। हुण देखो गुरु रामदास महाराज सोढ़ी ने, सोढ़ी सुल्तान करके कहा जाता है, पर वह कह रहे ने अंदर दी मलीनता अंदर दी कठोरता कहिंदी है मैं सोहना, अंदर दी कठोरता कहिंदी मेरे वर्गा चंगा केड़ा है। ते सतगुरु गुरु रामदास जी कहिंदे मैं की मूंह लैके बोला, मैं तेरा ना ही नहीं जपिया, किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किच ढंग ना मेरा, क्या मूल है बोल है गुण विहून नाम जपया ना तेरा, मैं की मूह लैके बोला मैं तेरा नाम नहीं जप। एदा मतलब जेड़ा नाम नहीं जपदा उन्हूं हक भी नहीं किसी का मूह ला के वह बोले भी। हम पापी संग गुर उभरे पुन सतगुर केरा, मैं पापी सी जदों गुरु दा शब्द मैनू मिलिया मैं उभर के गुणा वाला हो गया, क्योंकि नानक निर्गुण गुण करे। बाबा जी मैं इरंड वर्गा सी तू चंदन सी, लोग कहिंदे इरंडा तेरी की कीमत है, पर जदों मैनू गुरु चंदन मिलिया ना मेरे अंदरों कहिंदे सुगंधी आउण लग पई, क्योंकि नानक निर्गुण गुण करे। तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊच भय है गंध सुगंध निवासा। मैं नीच सी मैनू नीवा रुख कहिंदे सन, पर जदों चंदन दे नाल मैं रहना बहना बन गया ना हुण उच्चियां रुखां विच आउण लग पिया, मेरे अंदर चंदन दी वासना आउण लग पई है। माधव सतसंगत सरन तुम्हारी, अगे किया हम अवगुण तुम उपकारी, मैं अवगुण दा भरिया हाँ तू उपकार करदा है। ते जेड़ा बंदा कहे मेरे मत्थे तो भाग ही माड़े है, मेरी कम तो जो भी करदा ना की पता सब पुठे पै जांदे, सीधा कम कदे कोई हुंदा नहीं। ते सतगुरु गुरु अर्जन साहब कहिंदे कि गल सुन शरण विच आ, जिहड़ियां गल्लां तैनूं पुठियां लगदियां ने हर कम तेरा उल्टा हो जांदा है ना, ते सारा कुछ सीधा हो जाएगा तू जपन लग जा। अपुष्ट बात ते भई सीधरी, जिहड़ियां अज तक पुठियां पैंदियां सन ना वह सब कुछ सीधा हो जाएगा। फिर बंदा कहिंदा की करा, चीजा तो मैंने बहुत जुड़दियां ने, लोग बड़े दुष्ट ने, लोग बड़ा काम खराब करते, बड़े माड़े ने, मेरे दुश्मन बहुत ने। बाबा जी कहते तू नाम जपन लग जा, दुष्ट जेड़े तेरे दुश्मन ने सारे तेरे मित्र हो जाएंगे, जेड़े तेनों गल्लां पुठियां पै रही ने तेरा कार्ज संजोग तो विजोग विच बदल जाता है ना, वह सारे संजोग अंदर हो जाएंगे। अपुष्ट पाते भई सीधरी, दूत दुष्ट सज नहीं अंधकार मैरतन प्रगासे हो, मलीन बुद्ध हच नहीं। मलीन बुद्ध उदो प्रगास हो जाती है जो अपनी मत आके कहेगा नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंते आ गुण दे, गुणा दा जे है तेरे अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा उहदा मान ना करी मना, बाबे नानक दा घर ता इन्ना विशाल है इह गुणा दे भरे होए खजानियां नूं होर भर दिंदा है। इह किवें बख्शदा है, निर्गुणियां नूं गुण किवें दिंदा है। सतगुरु सतवें पातशाह गुरु हरकृष्ण जी महाराज, आपां शब्द लिया गुरु रामदास महाराज जी दा, गुरु रामदास दा वचन आया गुर हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु ने जो हाथ धरिया ना कि जन्म जन्म की जन्मा जन्मा दी मैल पट के उस गुरु ने परे कर दिती। गुरु रहमत करे अवगुण जिन्ने मर्जी जन्म दे होण बंदा बख्शिया जांदा है,
अवगुण करता है, अवगुण करके उन्हें अवगुणा नूं गुण दिखाना चाहता है भी ये गुण ने, वह कदे नहीं तर सकता। सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज, हुण देखिए गुरु रामदास महाराज जीयां दे अठवें पातशाह है ते गुरु ना, पर जिहड़ी बाहरली रूप दे अंदर जिन्हों कहने रिश्तेदारी दे अंदर खून दा रिश्ता, बाहरला रिश्ता, गुरु रामदास नाल की रिश्ता है? गुरु रामदास महाराज जीयां दे तीन पुत्र ने, बाबा पृथ्वी, बाबा मानदेव जी, धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज। गुरु अर्जन साहब महाराज जीयां दे मीरी पीरी दे मालक धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद राय महाराज जी गुरु अर्जन साहब दे पुत्र ने। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे घरे पंज पुत्र ने, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल जी, पंजवें पुत्र गुरु तेग बहादुर महाराज। एक पुत्री है घर च, वड्डे पुत्र ने बाबा गुरदित्ता जी, जिन्हों के घर के अंदर दो पुत ने, एक दा नाम है बाबा धीरमल जी, दूसरे दा नाम है गुरु हर राय महाराज। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने पुत नू नहीं, पंज पुत्र सन, पंजा पुत्रां नू नहीं अपने पोते नू गुरगद्दी दिती है, क्योंकि धीरमलिया जिहड़ा सी इह उस समय के अंदर ही अपना तख्त अड लाउण लग पिया सी ते अपने ते चौर कराउण लग पिया सी, ते गुरु साहब ने इहनू वड्याई नहीं दिती। वड्डा सी भावें धीरमल घर के अंदर, ते इहनू नहीं, इहदे छोटे भराता हर राय साहब नू वड्याई मिली, उन्हां नू गद्दी दिती। जिहड़ा बाबा वडभाग है इह धीरमलियां दे अंश वंश दे विच्चों है, जो बेनती करां। उस तों बाद हर राय साहब महाराज सतवें पातशाह ने, हर राय साहब महाराज जीयां दे घर दे अंदर दो पुत्रां दा आगमन होया है, एक बाबा राम राय ते छोटे सन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज। बाबा राम राय बहुत सारे कई कलावां समर्थ सन, इहदे अंदर बड़ियां करामातियां ताकतां सन, पर गुरु दी तुक बदलन नाल गुरु साहब ने कहा भी तू बाणी दी तुक बदली। वैसे यह कंसैप्ट अलग है थोड़ा, किसी दिन वाचांगे। गुरु हरकृष्ण महाराज जी 5 साल दी आरबला दे अंदर गुरु बने ने, इहदे च कोई शक नहीं, क्योंकि गुरु जे देह नाल देखिए ते 5 सालां दा कौन है, किन्ना क गुण कमाया होना उन्होंने, पर नहीं, इह तुर दरगाह तो गुरु आए ने। गुरु हरकृष्ण महाराज जदों कीरतपुर साहब की धरती ते बैठे ते कईयां दे मन च शंका आई भी इन्ने छोटी आरबला दे विच गुरु, ते गुरु नानक साहब ने कोड़ियां दे जिहड़े रोग सन दूर कीते, गुरु अर्जन साहब दे वेले जिहड़े कई कोड़ी सन रोग दूर कीते, हुण इंज देखदे आं भी इह गुरु दी आरबला छोटी है भी, हुण देखदे आं भी इह किसे दा कोड़ दूर कर सकदे है कि नहीं। उन्होंने की किया, गुरु हरकृष्ण महाराज साहब जी की पालकी निकली, जिन्हां दे अंदर कोड़ी सी उन्होंने शंका की, क्योंकि बाहरला कोड़ गुरमुखो दूर हो जाता है, जिहड़ा बंदा अंदर दा कोड़ लैके संगत विच बैंदा है ना, जन्मा जन्मा दी मारां भुगतनियां पैंदियां ने। ये सच है, जदों वो कोड़ी कोई मनुख सी पालकी जा रही रस्ते विच लटाता उन्होंने, ते सेवादारे सिखां ने पालकी रोकी, गुरु साहब ने कहा रोक क्यों गए, कहिंदे सच्चे पातशाह हरकृष्ण महाराज जी कोई कोड़ी है रोग नाल विरलाप कर रहा है, ते गुरु साहब कहिंदे इंज करो ये रुमाल लै जाओ, उहदे जिहड़ी देह है शरीर है उस दे नाल लाओ, वह कंचन हो जाएगा, रोग तो रहत हो जाएगा। वह जदों लिया कहिंदे, क्योंकि शरदा दे शब्द ने ना, उही समझेगा जिहदे अंदर कोड़ी कोई नहीं। जदों लाया गुरु हरकृष्ण साहब जी दा हस्पताल दा रुमाल, ते कहिंदे उह कंचन हो गया, देह साफ हुई उहदी, जिन्हां दे अंदर कोड़ी सन उहनां नूं जवाब मिलिया। सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज हर रोज इहनां दे दरबार दे अंदर कीर्तन हुंदा है, नानक निर्गुण गुण करे उत्थे ही आ मैं। लाहौर तो संगत आई, गुरु साहिब कोले लाहौर दी संगत ने आउणा है, ते कुझ क जणे ने उहदे विच माइयां ने, बीबियां ने, बजुर्ग नौजवान बच्चे ने, गिणती दे ने, लाहौर तो चले, ते इन्हां दे नाल मिलके एक चोर आ गया।
ते चोर दे मन विच आए भी संगत जा रही है क्योंकि जो बंदा वाकई यात्रू है यात्रू को पैसे लाजमी नहीं होंगे है उहदे मन विच आ गया भी इन्हां दा रल जाऊंगा रस्ते विच कितने विश्राम करनगे मैं इन्हां दे लफाफे झोले जिहड़े फरोलांगा ते विचों माया कढ लांगा क्योंकि जैसी बिरती है अगले दी। जदों कहिंदे उत्थों चले ते चोर नाल नाल रलदा पैंडा लम्मा हो गया घर भी बहुत दूर रह गया। लाहौर तो गुरु हरकृष्ण महाराज के शरण में आना है तो उन्हें मौका ना मिलिया सर रस्ते दे विच किसी दे बैग फरोलन दा। आ गया करदिया करवाउंदे हरकृष्ण साहब महाराज जी के हजूरी विच पहुंच गए। उत्थी की होया संगत दूरों आई सी सिखा ने सेवा लई संगत ला जल पान तैयार किया इशनान पानी किया जदों उन्होंने तो वो चोर बड़ा खुश होया भी उत्थे तां गिणती दे लोग सी इत्थे आ गए मन लहरां बहरां लगियां पईआं ने इन्ना कट है आपां माला माल होके जावांगे चोरी करन नूं बहुत चीज़ां मिलणगियां क्योंकि जो बिरती है बिरती चेंज नहीं होंदी। गुरु रहमत करे ना फेर किते जाके अंदर आ जिहड़ा गन्ना है ना कठोरता दा गुरु दे शब्द दे कलाड़ी विच पै के फिर जाके ते पोला पैंदा फिर मिठास मिलदी है। उह आया खुश होया भी इन्नी संगत हुण सारियां दे झोले फरोलांगे पैसे लोकां कढांगे ते चल पांगे आपां। हुण सतगुरु महाराज जीआं दे घर तुहानूं पता है प्रथम साढ़े इत्थे लंगर दी मर्यादा है गुरु नानक साहिब दी बख्शिश कीती हुई लंगर बणिआ इहने लंगर छकिआ। जदों लंगर छकिआ ते अंदरलीआं भावना थोड़ियां थोड़ियां बदलण लग पईआं क्योंकि लंगर ऐसी एक गुरु साहिब दी दात है इहदा असर मन तक हुंदा है। गुरमुखो किवें क्योंकि जो बीबी आटा छानण वेले वाहिगुरु का जाप करती है गुनण वेले वाहिगुरु का जाप है ओनू बनाउण वेले वाहिगुरु का जाप है वरतौण वेले भी सेवादार कहिंदा प्रशादा वाहिगुरु जदों कहिंदा प्रशादा वाहिगुरु ते लैण वाला कहिंदा वाहिगुरु वाहिगुरु कह के जदों छकदा अंदर वाहिगुरु के गुण प्रगट होण लग जांदे ने अवगुण अंदरों चले जांदे ने नानक निर्गुण फिर गुण करदा है। ते जे आपां छानन वेले भी गल्लां संसारिक मंदियां पकाउण वेले भी चुगलियां देण वेले भी पक्क पूरना भी इहनूं दईए दे नाल लड़ाईए दे नाल रोटी क्यों फड़ावां मैं ते खाण वेले भी बिरती किहो जी बणेगी तुसीं आप हिसाब लाओ। फिर इसे करके कहने पकाउण वेले भी वाहिगुरु वरतौण वेले भी वाहिगुरु भांडे मांजण वेले भी वाहिगुरु भी अंदर दी मलीनता अवगुण दूर हो जाण ते नानक निर्गुण गुण करन लग पए किते। इह लंगर दी मर्यादा इवें थोड़ी है कोई। खैर इन्हें लंगर छकिया फिर संगत ने कहा आओ हुण थोड़ा आराम भी हो गया गुरु हरकृष्ण महाराज साहिब जी ने दर्शन करदे हां हुण जो सारे दर्शन करनगे सारे ने मत्था टेकिया जी अगे होके बैठे हुण चोर कहिंदा मेरा मत्था टेकण दा की कम है मेरा कम तां भी जेब साफ करना मैं मत्था क्यों टेकां मेरा कम कोई नहीं पिछे होके बह गया। जदों पिछे होके बैठा ते जदों माड़ा जिहा ने सिर उत्ता करके देखिया ना उतां कीता देखिया ते कि इन्ना छोटा जा गुरु मन विच आए इन्ना छोटा जा गुरु भी इन्नी संगत दूर लाहौर तो चली है इन्ना छोटा जा गुरु। जदों मन विच आया ते कहिंदे भी जे इन्ना ही गुरु है ना ते मेरी अंदर दी बिरथा दसे भी मैं कौन हाँ मेरे अंदर दी बिरथा दसे मैं सुनिया गुरु अंतर जामी हुंदा है ते सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे घरे जिहड़े पोते सन उस पोते दा पुत्र आवाज मार के कहिंदा कहिंदे गल सुनो संगत जी चोर दी हामा जिहड़ी है ना उस संसार विच कोई उहदी जामनी जमानत नहीं दिंदा परलोक विच किहने देनी है। जदों इन्ना कहा वह जिहड़े पिछे बैठा उहदे वाखी हाथ पैर ठंडे हो गए भी है की कहता ते गुरु साहिब ने शब्द किया चोर की हामा परे ना कोई चोर किया चंगा क्यों हो चोर की हामा परे ना कोई चोर किया चंगा क्यों हो चोर दी हामा गुरमुखा कोई नहीं भरदा ते जेड़ा चोर ने कीता ओ चंगा किवें हो सकदा है क्यों जी सुन मन अंधे कुत्ते कूड़िया बिन बूझे बोले बूझे सचिया
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੁਝਿਆ ਸੱਚਿਆ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਸਮਰਥਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੋਰ ਸਲਾਹੇ ਚੀਤ ਨਾ ਭੀਜੈ ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਸੂ ਨਾ ਛੀਜੈ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਸਵਾਲਿਓ ਚੋਰ ਸਿਆਣਾ ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁੱਲ ਏਕ ਦੁਗਾਣਾ। ਚੋਰ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਮਰੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਖਲੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਸਨ ਅਜੇ ਸੇਜਲ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਗਣ ਭਰ ਗੰਢੜੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗੁਣ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਾਈਏ ਨਾ ਔਗੁਣ ਕੱਟੇਗੀ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌੜਤਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬੁਲਾਵਾ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।